भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को 5-4 से हराकर करीब 41 साल के बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। अंतिम बार भारत 1972 म्यूनिक ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारतीय टीम ने लगभग 41 साल बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया। इससे पहले इन्होंने, मतलब भारतीय टीम ने 1972 म्यूनिक ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तब से लेकर के आज तक यह लगभग 41 यानी कि 41 साल हो गया, और अब जा कर के टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय हॉकी टीम पहली बार 1928 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से 8 बार यह गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अगर भारतीय हॉकी टीम की बात करते हैं तो यह भारतीय हॉकी टीम पहली बार 1928 में ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, और उसके बाद से 8 बार यह गोल्ड मेडल जीत चुकी है भारतीय हॉकी टीम ने। दोस्तों, अगर भारतीय टीम की खेलों के बारे में बात करते हैं तो ओलंपिक खेलों में अब तक यानी कि 2020 ओलंपिक जो हुआ हो रहा है टोक्यो में, वहां तक की अगर बात करते हैं तो 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सहित टोटल 12 मेडल जीत चुकी हैं। तो ओलंपिक खेलों में बात करते हैं भारत अब तक 2020 टोक्यो ओलंपिक तक में, तो 8 बार गोल्ड मेडल, 1 बार सिल्वर मेडल और 3 बार ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल 12 मेडल जीत चुकी हैं। वर्ल्ड कप खेलों में बात करते हैं तो 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। तो वर्ल्ड कप खेलों में 3 मेडल जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वर्ल्ड लीग में बात करते हैं तो 2 ब्रॉन्ज जीत चुकी है। तो वर्ल्ड लीग में भारतीय हॉकी टीम 2 ब्रॉन्ज जीत चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज अपने नाम कर चुकी है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीती हैं। इसके अलावा एशियन गेम्स में 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। एशिया कप की बात करते हैं तो भारतीय हॉकी टीम एशिया कप में 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज अपने नाम कर चुकी हैं। तो एशिया कप में 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में बात करते हैं तो 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीती है भारतीय हॉकी टीम ने। तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीत चुकी हैं। दोस्तों, अगर भारतीय हॉकी टीम की जो है उसको अभी वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह जो पंजाब के हैं। तो कप्तान है अभी वर्तमान मनप्रीत सिंह पंजाब के, और वर्तमान भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड। तो ग्राहम रीड हैं वर्तमान हॉकी टीम के कप्तान, सॉरी हॉकी टीम के कोच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये भी आपको जानकारी ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लगभग 41 सालों के बाद में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीत करके अपने साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक की अगर हम और बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेसलर यानी पहलवान रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम वर्ग पुरुष वर्ग में फाइनल में रूसी पहलवान जौर युगेव से 7-4 से हारकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया और देश का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में एक और बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है कि भारतीय रेसलर रवि कुमार दहिया जो हैं उन्होंने रजत पदक दिलाया भारत को, और इन्होंने 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग के फाइनल में रूसी पहलवान जिनका नाम है जौर युगेव से 7-4 से हार करके इन्होंने यह रजत पदक दिलाया है भारत को यानी कि सिल्वर मेडल। इस प्रकार अब तक टोक्यो ओलंपिक में भारत 5 मेडल जीत चुका है। तो इस प्रकार से अभी हम देखते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में अब तक जितने भी खेल हुए हैं उसमें से भारत को 5 मेडल मिल चुके हैं। दोस्तों, ओलंपिक खेलों में रवि कुमार दहिया रजत मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय रेसलर हैं। तो आपको ये भी जानकर ध्यान रखना है कि रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष रेसलर हैं रवि कुमार दहिया। इससे पहले 2012 ओलंपिक में सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। तो आपको ये भी जानकर ध्यान रखना है कि सुशील कुमार
2012 ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। तो अभी सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष रेसलर बन गए हैं रवि कुमार दहिया। ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पांचवें पहलवान बने। इनसे पहले के डी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं। तो भारतीय पहलवानों की अगर बात करते हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, तो उसमें से के डी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक पहले जीत चुके हैं, और अभी जो पांचवें नंबर के विजेता हैं वह हैं रवि कुमार दहिया। तो आपको ये भी जानकारी याद रखना है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी जानकारियाँ हैं टोक्यो ओलंपिक से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। दोस्तों, रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने से पहले 2019 विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और एशियन चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने से पहले रवि कुमार दहिया 2019 के विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं और एशियन चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दोस्तों, रवि कुमार दहिया के बारे में जानकारी देखते हैं थोड़ी सी। तो रवि कुमार दहिया का जन्म सोनीपत, हरियाणा, भारत में हुआ है और ये एक फेमस, प्रसिद्ध और अभी ओलंपिक मेडल विनर वो जो है रेसलर हैं, यानी पहलवान हैं। और इनके जो कोच हैं उनका नाम है सतपाल सिंह और वीरेंद्र कुमार। तो आपको ये भी जानकारी याद रखना है कि इनके जो वर्तमान कोच हैं वह हैं सतपाल सिंह और वीरेंद्र कुमार।